अविनाश पांडे जी, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, संजय कुमार जी, रमेश मीना जी, भरोसेलाल जाटव जी, गिरिराज सिंह मलिंगा जी, रोहित बोरा जी, खिलाड़ी राज बोरा जी, पीआर मीना जी, मोहन प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, साकेत जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेता, कांग्रेस के प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। इतनी गर्मी में आप आए, दूर दूर से आए मेरी बात सुनने, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और खासतौर से जो महिलाएं आई हैं, आपको कष्ट हुआ, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं, आप आई हैं तो मैं आपसे ही शुरू करता हूं। पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों के बैंक अकाउंट में डाला है। आपको याद होगा कि नोटबंदी की और आपके घर में से आपका पैसा निकाला और नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोगों को दिया। आप सिर हिला रही हैं, सही बोल रहा हूं ना मैं? सही बोल रहा हूं। 5,55,000 करोड़ रुपए 15 लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने दिए। चोर, अब देखिए, 5 महीने पहले मैंने कांग्रेस के इकोनॉमिस्ट को बुलाया और उनसे मैंने कहा, देखिए नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालने का वायदा किया था और हिंदुस्तान के गरीब लोगों ने सपना देखा कि शायद हमारे बैंक अकाउंट में पैसा भी आ सकता है। और उसके बाद में धोखा देने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाए, मगर उसमें नरेंद्र मोदी जी ने 1 रुपया नहीं डाला, उल्टा आपका पैसा उससे भी काटा। तो 5 महीने पहले मैंने कांग्रेस के लोगों को बुलाया, मैंने कहा, देखिए मैं एक बात समझना चाहता हूं, मैं हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहता हूं, मगर मैं हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नष्ट नहीं करना चाहता हूं। तो आप पता लगाइए, स्टडी कराइए, दुनिया के सबसे बेहतर इकोनॉमिस्ट से पूछिए, अगर मैं चाहूं हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहूं तो मैं कितना डाल सकता हूं? मैं जानता हूं 15 लाख नहीं डाला जा सकता, आप मुझे बताओ कितना डाला जा सकता है। एक शर्त है, अर्थव्यवस्था का नुकसान नहीं होना चाहिए। कुछ दिन पहले मेरे पास वापस आते हैं, कागज पे उन्होंने एक नंबर लिख दिया, चिदंबरम जी ने कागज पे नंबर लिखा 72,000। मैंने उनसे पूछा कि क्या है ये नंबर 72,000? 72,000 कितने लोगों को, 72,000 कितने समय में, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में? सीतामरम जी कहते हैं, राहुल जी हमने पूरी स्टडी करा ली है, दुनिया के सबसे बेहतर इकोनॉमिस्ट से पूछा है, 72,000 रुपए 1 साल के 25 करोड़ लोगों को, 25 करोड़ लोगों को। अब देखिए माताजी, आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख देने का वायदा किया, झूठ, हमने पता लगा लिया। मैं आपको स्टेज से कहता हूं 15 लाख नहीं दिया जा सकता, कुछ भी हो जाए नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर 15 लाख दिया गया हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी और गरीबों को ही नुकसान होगा। मगर 72,000 रुपए साल के, 3,60,000 रुपए 5 साल के, कांग्रेस पार्टी 5 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में डालने जा रही है। अब बात करता हूं महिलाओं की, जो मैं आपको पहले बोलना चाह रहा था।
अब यहां बहुत सारे पुरुष आए हैं, मैं शुरुआत में ही आपसे माफी मांग रहा हूं, बाद में गुस्सा मत होना। 5 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, मगर महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा भाइयों। बाद में मुझसे मत कहना ये क्या कर दिया, मैं इनके बैंक अकाउंट में 5 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में 5 साल के 3,60,000 रुपए डालने जा रहा हूं। इसके 2 कारण हैं। एक, मैं हिंदुस्तान के गरीब लोगों को बताना चाहता हूं, माताओं बहनों को बताना चाहता हूं कि यहां पे 2 हिंदुस्तान नहीं बनेंगे, 1 हिंदुस्तान होगा। अगर नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट में लाखों करोड़ रुपए डाल सकता है, तो कांग्रेस पार्टी 25 करोड़ लोग, 5 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में लाखों करोड़ रुपए डाल सकती है और डालेगी। अब भाइयों और बहनों, इससे बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है, सिर्फ उन 5 करोड़ परिवारों को नहीं, मगर पूरे हिंदुस्तान को। मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं, जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, जैसे ही उन्होंने आपके घर में से पैसा निकाला, युवाओं के जेब से पैसा निकाला, छोटे दुकानदारों के घरों से पैसा निकाला, वैसे ही हिंदुस्तान की जनता ने माल खरीदना बंद किया। उसके ऊपर नरेंद्र मोदी ने गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, जो पहले आपके जेब में था, बचा था नोटबंदी से, वो भी निकाल दिया। हिंदुस्तान के लोग माल खरीदना बंद किए। पहले आप पैंट शर्ट, टूथपेस्ट, आलू के चिप्स जो भी खरीदते थे आपने बंद किया। जैसे ही आपने माल खरीदना बंद किया, वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्री ने माल बनाना बंद किया, दुकानों ने माल बेचना बंद किया। जैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां बंद हुई, आपको ही झटका लगा, आपके ही बेटों को, आपके ही बेटियों को फैक्ट्रियों के मालिक ने फैक्ट्रियों से कहा कि तुम यहां से परे हो जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, रोजगार दे नहीं सकते क्योंकि फैक्ट्री बंद हो गई, नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, लोगों ने माल खरीदना बंद किया। और आज 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में। अब जैसे ही हम न्याय योजना देंगे, जैसे ही न्याय योजना चालू होगी, जैसे ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा, उसी दिन आप लोग एक बार फिर माल खरीदना शुरू करोगे। कोई शर्ट खरीदेगा, ये जो हमारी बहनें आई हैं ये साड़ी खरीदेंगी, कोई जूता खरीदेगा, कोई चप्पल खरीदेगा, साबुन, टूथपेस्ट, आलू के चिप्स, जो भी। जैसे ही आप खरीदना शुरू करोगे, वैसे ही दुकानदारों की दुकान चालू हो जाएगी, जैसे ही दुकान चालू हो जाएगी, वैसे ही फैक्ट्रियां माल बनाना शुरू करेंगे, जैसे ही माल बनाना शुरू करेंगे, वैसे ही आपके बच्चों को उन्हीं फैक्ट्रियों में और नई फैक्ट्रियों में रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए कांग्रेस पार्टी का कमाल। न्याय योजना सिर्फ गरीबों की मदद नहीं करेगी, न्याय योजना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करेगी। जैसे ट्रैक्टर में, ट्रक में डीजल डाला जाता है, वैसे न्याय योजना हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था के इंजन में सीधा डीजल है। न्याय योजना के एकदम बाद चाबी घूमेगी और झटके से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चालू हो जाएगी। आप सबको फायदा मिलेगा, करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा। मगर हम वहां नहीं रुकना चाहते भाइयों और बहनों। आपने नीरव मोदी का नाम सुना है? सुना है? ललित नाम क्या है? ललित, नीरव, मेहुल, अनिल, अनिल अंबानी, इनके नाम आपने सुने हैं। लाखों करोड़ रुपए इनका कर्जा माफ किया अनिल अंबानी को, राफेल घोटाले में 30,000 करोड़ रुपए चौकीदार जी ने दिए। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी और 22 लाख सरकारी नौकरियां खाली।
भाइयों और बहनों, जैसे ही सरकार आएगी, मैं इसके एज से कहता हूं, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मैं आपको यहां से वायदा नहीं करूंगा। मैंने न्याय योजना की बात बोली और लाखों युवाओं को रोजगार उससे मिलेगा, मगर मैं यहां से आपको गारंटी करता हूं, 22 लाख सरकारी नौकरियां 1 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी आपको दे देगी। मैं 2 करोड़ नहीं बोलूंगा, 22 लाख सच्चाई बोलूंगा। 10 लाख पंचायतों में युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है, 10 लाख युवाओं को हिंदुस्तान की पंचायतों में कांग्रेस पार्टी रोजगार देगी। यह काम करा जा सकता है। हमने आपसे कहा था 10 दिन के अंदर कर्जा माफ होगा, और गहलोत जी ने, कमलनाथ जी ने, बघेल जी ने 2 दिन के अंदर कर्जा माफ कर दिया, कार्रवाई शुरू कर दी, ऐतिहासिक काम किया। नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं झूठ बोलते हैं, किसानों को सही दाम दूंगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, 15 लाख रुपए डालूंगा। मैं आपसे यहां झूठ बोलने नहीं आया हूं, मैं आपको सीधा बता रहा हूं, 15 लाख नहीं दिया जा सकता, 3,60,000 रुपए बैंक अकाउंट में जाएंगे, गारंटी मेरी, 5 करोड़ बैंक अकाउंट में जाएंगे। मैं आपको यह नहीं बोलूंगा 2 करोड़ युवाओं को, मैं आपको बोलूंगा न्याय योजना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करेगी, 22 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा 1 साल में, 10 लाख युवाओं को पंचायत में दिया जाएगा, यह मैं आपसे बोल दूंगा। और मैं आपसे यह भी बोलूंगा कि राजस्थान की सरकार, हिंदुस्तान की सरकार लाखों करोड़ रुपए आपके शिक्षा में, आपके स्वास्थ्य में, अस्पताल बनाने में, पब्लिक सरकारी अस्पताल बनाने में, सरकारी कॉलेजेस, सरकारी यूनिवर्सिटी बनाने में आपका पैसा जाएगा, और आप अपने बच्चों को कम से कम पैसे में कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लॉयर, डॉक्टर बना पाओगे। स्वास्थ्य का अधिकार की हम बात कर रहे हैं, मुफ्त में आपको दवाई भी दी जाएगी, मुफ्त में अस्पतालों में आपका इलाज होगा, डिस्ट्रिक्ट्स में, ब्लॉक में अस्पताल बनाए जाएंगे, नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे, क्योंकि ये आपका पैसा है भाइयों और बहनों, ये अनिल अंबानी का नहीं है, मेहुल चौकसी का नहीं है। और युवाओं की मदद करने के लिए, युवाओं की मदद करने के लिए हमने साफ बोला है, आज राजस्थान का युवा अगर बिजनेस चालू करना चाहता है तो उसे अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। एक डिपार्टमेंट से परमिशन लो, दूसरे से परमिशन लो, तीसरी, चौथी, पांचवीं से परमिशन लो, पता लगता है परमिशन ही लेते गए बिजनेस नहीं चालू हुआ। हमने कानून बदल दिया है, जैसे हमारी सरकार आएगी युवाओं को किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से बिजनेस खोलने के लिए कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं, 3 साल के लिए कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं, आप अपना बिजनेस चालू करो, 3 साल बाद जब आपके लिए 30-40 लोग काम करेंगे, आपके साथ 30-40 लोग काम करेंगे, आपका बिजनेस तैयार हो जाएगा, तब आप सरकारी डिपार्टमेंट्स के पास जाइए, कहिए भैया हमारा बिजनेस है, अब हमें परमिशन दीजिए, 3 साल बाद आप परमिशन लेना। किसानों से मैं आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, हमने ऐतिहासिक निर्णय लिया भाइयों और बहनों, अनिल अंबानी जेल में है, अंदर या बाहर? बाहर। विजय माल्या अंदर या बाहर? मेहुल चौकसी अंदर या बाहर? इन लोगों ने लाखों करोड़ रुपए कर्जा लिया है, अनिल अंबानी का 45,000 करोड़ रुपए कर्जा वापस नहीं दिया, मेहुल चौकसी का 35,000 करोड़ रुपए कर्जा सरकारी बैंक से पैसा लिया वापस नहीं दिया, ये सब लोग बाहर हैं। अब भाइयों और बहनों, अगर राजस्थान का किसान 20,000 रुपए कर्जा लेता है वापस नहीं देता है तो वो बाहर होता है या अंदर? जेल में होता है या बाहर होता है? जेल में होता है। तो किसानों, हमने आपके लिए एक नया कानून, 2019 के चुनाव के एकदम बाद राजस्थान का, हिंदुस्तान का कोई भी किसान
कर्जा ना लौटाने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकेगा। मोदी जी, पहले आप अनिल अंबानी को, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी को अंदर कीजिए, फिर किसानों की बात कीजिए। अगर वो बाहर होंगे तो किसान भी बाहर होंगे। हम नया कानून बनाएंगे, हिंदुस्तान का एक भी किसान कर्जा ना लौटाने के लिए जेल में नहीं जाएगा। यहां पे धौलपुर से करौली की रेलवे लाइन थी, कांग्रेस पार्टी उसको ब्रॉड गेज करना चाहती थी। नरेंद्र मोदी जी चौकीदार ने आपसे भी चोरी की, ब्रॉड गेज नहीं करने दिया। यहां पे अभी मुझे बताया गया है कि चंबल के पानी को यहां लाने का एक प्लान बनाया जा रहा है। गहलोत जी उस प्लान को स्टडी करेंगे, और अगर चंबल का पानी यहां लाया जा सकेगा तो कांग्रेस की सरकार उस पानी को यहां आपके लिए लाएगी। आप सबको मैं फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप दूर दूर से आए, इतनी गर्मी में आए, इसके लिए दिल से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। आप सबकी तरफ से, जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से और पूरे धौलपुर की जनता जनार्दन की तरफ से मैं राहुल गांधी जी को आपकी तरफ से अशोर करता हूं कि ये सीट हम निकाल के देंगे।